धान की फसल पर बीमारियां पैर पसार रही है, जिसे लेकर कृषक परेशान है। गांव तक कृषि विस्तार अधिकारियों की पहुंच नहीं होने से किसान दवा विक्रेताओं का आश्रय लेकर महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि दवा विक्रेता ज्यादा मुनाफे के चक्कर में महंगी दवाइयां ही बेचना उचित समझता है। इसी के चलते किसानों की बेवजह जेब कट रही है। रोपाई बियासी का कार्य पूर्ण होने के बाद अब जहां खेतों में निंदाई गुड़ाई का कार्य शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर धान की फसल पर तना छेदक एवं ब्लास्ट की बीमारियां फैलने लगी है। नियंत्रण के लिए दवा की जानकारी नहीं होने के चलते कृषक बेहद परेशान है। बीते सप्ताह भारी बारिश हुई है। लगातार बारिश होने एवं मौसम नहीं खुलने से धान के पत्तों पर बीमारियों का असर दिख रहा है। इस सप्ताह की भारी बारिश को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय जिले में खंड वर्षा एवं अल्प वर्षा का मौसम चल रहा था, जिससे खेतों में पानी का भराव ठीक ढंग से नहीं हो पाया। उसी के चलते खेतों में खरपतवार काफी बढ़ गई। मेरे खेत में बीमारी लगा हुआ है बहुत ज्यादा, और दवाई ला करके डाले हैं, 5-6 हज़ार रुपया का दवाई डाल चुके हैं अभी तक के, और 2.5-3 एकड़ में मेरा बीमारी लगा हुआ है। और बीमारी के कारण मैं ही नहीं, हमारे गांव के सभी किसान परेशान हैं। दुकान में जाते हैं, दवाई लाते हैं, दवाई ला के डालते हैं, लेकिन दवाई काम ही नहीं करता, और ना ही कृषि विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी आरियो कोई आकर के देख रेख नहीं करता है, ना बीमारी के बारे में कोई चीज़ सलाह नहीं बताते हैं, ना देखने भी नहीं आते हैं। मेरे खेत में काफ़ी माहो का शिकायत है और तनाछेदक ब्लास्ट का भी शिकायत था। मैं 4-5 हज़ार का दवाई उपयोग कर चुका हूँ और इसमें कुछ सुधार तो नहीं हो रहा है, ना ही कृषि ऑफिस से या तो फिर कोई सलाह वगैरह नहीं मिल रही है। मैं यहीं व्यापारी से गांव बांसकोर से लिया हूँ। हाँ, जो दुकानदार है, नज़दीकी दुकानदार है, वहीं से मैं दवाई वगैरह छिड़काव कर रहा हूँ, और कभी कभी तो 2 बार डाल चुका हूँ, इसमें कोई असर नहीं कर चुका है अभी तक दवाई वगैरह का। सर, ये बात सही है, हमारे किसान भाई खंड स्तर पर भी आकर के अपनी समस्या रख रहे हैं, और हमारा जो मैदानी अमला है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी, गाँव में सतत भ्रमण कर संपर्क में आए किसानों को कीट और व्याधि के नियंत्रण के लिए सलाह और समझाइश दे रहे हैं। अभी विभागीय योजना अंतर्गत जो है 50% अनुदान पर पंजीकृत जो डीलर हैं उनसे सीधे क्रय करके बिल यदि कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से जमा करते हैं तो उनको 50% जो है मूल्य का अनुदान प्राप्त हो सकेगा। TCP 24 न्यूज़ के लिए कोंडागांव से राज शार्दुल की रिपोर्ट।